दोस्तों फाइनली हम सबका भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया और आज की जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी हैप्पी मोमेंट है इस चैनल के लिए, आप सबके लिए और हमारे लिए भी। आज हम बात करेंगे कुछ मोनेटाइजेशन को लेकर के, क्या क्या करना पड़ता है मोनेटाइजेशन करने के लिए, क्या नहीं करना पड़ता है, सारी चीज इस वीडियो में पता चलेगा। बस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। बट इससे पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है कुलदीप और स्वागत है आप सभी का कुलदीप टेक्निकल में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं, अगर कोई भी यूट्यूबर हो, अगर उसे अपने चैनल को मोनेटाइज करना है तो उसको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम चाहिए। ये जो करना है ये आपको एक साल में करना है। सब्सक्राइबर आप विद इन एक ईयर में करें, या आपको मतलब एक बार 1000 सब्सक्राइबर आपके हो जाते हैं उसके बाद से विद इन वन ईयर में आपको 4000 घंटे की वॉच टाइम पूरा करना पड़ता है। अब हम बात करें 4000 घंटे की वॉच टाइम पूरा करने के लिए, तो हर एक यूट्यूबर दिन रात एक कर देता है इसे पूरा करने के लिए। कुछ ऐसा भी हुआ आपके भाई के साथ और आपका भाई इसे कर दिखाया है। आज आपका चैनल जो है, हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया है और हम इससे पैसे भी अर्न करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप उस पर क्या क्या एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। पहले देखिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं रहता है तो आप अपनी वीडियो को देख सकते हैं, बट जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप अपनी वीडियो को कभी भी ना देखें, यानी कि अपना ईमेल आईडी से कभी भी अपनी वीडियो को ना देखें। अपना वीडियो को देख सकते हैं दूसरे के मोबाइल में या घर के मोबाइल में देखिए, बट अपने मोबाइल से या अपने जिस मोबाइल में ईमेल आईडी को एक बार रजिस्टर कर दिए हैं और उसमें काफी समय हो गया है रजिस्टर किए हुए, तो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन अगर उसमें रजिस्टर है फिर देखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इनवैलिड क्लिक के वजह से आपका जो चैनल है उसका एडसेंस है वो डिसेबल हो जाएगा। तो मैंने सक्सेसफुली एडसेंस भी क्रिएट कर लिया है, बाकी सारी चीज कर लिया है। आपको उसका भी वीडियो आगे मिलेगा और आगे आप लोगों को कैसे सीटीआर वगैरह चेक करना है। सीटीआर का जो फंडा है वो चेंज हो चुका है पूरे यूट्यूब पर, और जो सीटीआर का जो होता है ना कि जो नया यूट्यूबर है सीटीआर उसको बार बार देखना रहता है, सीटीआर का क्या रहता है, सारी चीज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में नहीं, मतलब आगे जितने भी वीडियो आएंगी अब आपको यूट्यूब से रिलेटेड, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। साथ में आपको इस पे गैजेट रिव्यू अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी और यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन को लेकर के जितने भी वीडियो होंगे मैं आपको बना करके बताऊंगा। तो बस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि आपका जो चैनल है कभी भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी में आ सकता है, तो इसके लिए आप अपनी वीडियो को कभी भी ना देखें जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। फिर अगर हम बात करें, अगर चैनल मोनेटाइजेशन के बाद अगर आप वीडियो को देखते हैं इनवैलिड एक्टिविटी हो जाता है, इसके बाद से आपका जो यूट्यूब एडसेंस है वो डिसेबल हो जाएगा, तो फिर उसे आप फिर से इनेबल नहीं करा पाएंगे। तो आप इस बात का क्लियर तरीके से ख्याल जरूर रखें, अगर आपका चैनल डिसेबल हो गया है तो आप उसे इनेबल नहीं करा सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको किस तरीके के ऐड अपनी वीडियो को रन कराना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर नॉन स्किपेबल ऐड को, तो आपको इसे ऑफ करके रखना चाहिए, क्योंकि जो इसका रेवेन्यू होता है वो काफी ज्यादा होता है, इससे सीटीआर भी इंक्रीज होता है, तो आपको इसे ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसे पूरा देखते हैं, जब तक आप इस एड को देखेंगे नहीं आपका वीडियो प्ले होगा नहीं, तो वहां पर वन क्लिक मान लिया जाता है, वन क्लिक यानी कि 1% आपका सीटीआर भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए आपको नॉन स्किपेबल एड को ऑफ कर देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्किपेबल एड को ही रन कराना है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, अगर आपके चैनल पर 10 मिनट की ऊपर की वीडियो है, 8 मिनट की ऊपर की वीडियो है, तो वहां पर आपको जो मिडरोल ऐड आती हैं, बीच बीच में ऐड आती हैं, उसे भी ऑफ कर देना है, इससे भी आपका जो सीटीआर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और शुरुआत में आपको सिर्फ और सिर्फ स्किपेबल ऐड को ही फोकस करना है, स्किपेबल ऐड पर ही रन करना है अपने चैनल पे। तो आप आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि YouTube से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो जाकर के फॉलो कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।